तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आपके लिए मैं नया टूर्नामेंट लेके आया हूँ जिसका नाम है बैटल ऑफ जायंट्स। और गाइस, इसका प्राइस बोल है 10K। और गाइस, ये टूर्नामेंट जो कि टू साइड ESP के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर में होने वाला है, तो गाइस ये फुली ट्रस्टेड है। अगर आपको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो सिंपली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खोलना है, डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो गाइस, अगर आपको डिस्कॉर्ड में रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता होगा तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, या आपको कुछ रजिस्ट्रेशन में डिस्कॉर्ड पर प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइस आप डिस्कॉर्ड के यहाँ पर मोड्स को भी DM कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, तब फ्री फायर गाइस यहाँ पर नॉर्मल था, तब यहाँ पर ऑफिशियल टूर्नामेंट वगैरह सब होते थे, तो गाइस यहाँ पर मंथली बेसिस पे ई स्पोर्ट्स टीम की यहाँ पर रैंकिंग होती थी। तो गाइस, बट अभी वो रैंकिंग होना बंद हो चुका है। तो गाइस, एक बंदे ने जो कि थर्ड पार्टी टूर्नामेंट से यहाँ पर रैंकिंग बनाई है, तो गाइस वो रैंकिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें 9K करवाने हैं। पॉइंट टेबल का क्रेडिट जाता है यहाँ पर ईस्पोर्ट FF इन्फो को। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इनका इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दूंगा, तो गाइस जरूर से आप फॉलो कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट टेबल की ओर। तो गाइस, पहले अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट टीम कौन सी होगी और सेकंड टीम कौन सी होगी। आप सोचोगे कि ये पॉइंट टेबल के पॉइंट्स यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, तो गाइस पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो भी टूर्नामेंट के प्राइस पर 50K थे या 50K प्लस थे, वही पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि टूर्नामेंट एंड होने के बाद फाइनल स्टैंडिंग आती है, तो जो भी टीम नंबर वन पर रही थी उसको 10 पॉइंट्स दिए गए, और सेकंड और थर्ड वो भी टीम रही उसको 6 पॉइंट्स, 4, 5, 6 को 4 पॉइंट, 7, 8, 9 को 3 पॉइंट और 10, 11, 12 को 2 पॉइंट्स। होपफुली आपको यहाँ पर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर समझ आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट्स टेबल के और। नो डाउट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है अपनी टीम माफियाज 217 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि गाइज इनका जून में परफॉर्मेंस गाइज नेक्स्ट लेवल था। तो गाइज, इन्होंने कितने टूर्नामेंट विन किए मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। यहाँ पर टीम माफिया ने जितने भी टूर्नामेंट विन किए उसका क्रेडिट जाता है अपने माफिया भाई को। अपनी सेकंड टीम है यहाँ पर OG इलीट 187 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस, अभी तो ये ब्रेक से वापस आए, तो देखना होगा कि जुलाई मंथ में उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। और थर्ड पे गाइस NGS, तो इनके टीम में भी काफी बदलाव थे गाइस, बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया 161 पॉइंट्स के साथ वो थर्ड पोजीशन पर। फोर्थ पे रहे गाइस हेक्स 156 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस, इनको भी सारे टूर्नामेंट में स्लॉट्स नहीं मिलते, और उतने में भी उनको मिले तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। यहाँ पर अपनी फिफ्थ पोजीशन पर है गॉडलाइक 152 पॉइंट्स के साथ। सिक्स पर अपनी टीम क्योस 151 पॉइंट्स के साथ, और सेवन पे वर्ल्ड ऑफ बैटल 151 पॉइंट्स के साथ। तो शायद यहाँ पर गाइस टीम क्योस के किल पॉइंट ज्यादा हो गए, इसलिए उनको सिक्स पोजीशन दिए। और गाइस एट पर अपनी टीम इंसेंट 145 पॉइंट्स के साथ, नाइन पर अपनी वाइटलिटी 140 पॉइंट्स के साथ, टेन पर गाइस RNT 138 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस मुझे बड़ा दुख हो रहा है गाइस कि TSG को 11th पोजीशन पर देखते हुए 132 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि गाइस अभी टीम में शायद बदलाव है, इस कारण वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। गाइस यहां पर वियान दत्ता भी बैक आने वाले TSG में, तो गाइस देखने हैं कि उस टाइम पे परफॉर्मेंस TSG का कैसा होता है। और गाइस यहां पर 12th पर है अपनी PVS गेमिंग। तो यहां पर PVS गेमिंग के 120 पॉइंट्स। तो गाइस यहां पर FFIC के बाद PVS गेमिंग का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, बट गाइस सून कमबैक कर लेंगे। तो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, जुलाई में कौन सी टीम कौन से पोजीशन पे होगी, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना। तो गाइस यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइस, याद से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्लॉट फुल ना हो जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।